सांसद बने कह दे, हम लोगों ने वोट दिया तभी बने ना। अच्छा और क्या, कब से नहीं बने, 200 साल से नहीं बनी है। ये 2 बार सांसद हो चुके हैं, कभी नहीं, कभी उन्हें ध्यान नहीं दिया। हाँ जो है तो साइकिल के अलावा रोजान किसी का नहीं, किसी का नहीं। नवल किशोर का है, अरे साइकिल की बात करो, हम नवल किशोर जे तो सरकार बदलेगी, क्योंकि गरीब तो मरी दिया बेचारा, और राशन जो ले रहा है हर महीने, राशन क्या, राशन तो कौन देता आज तक, सुनो राशन में भी, सुनो राशन ये दंगा जी, राशन में भी जो है कि पैसे वाले पूरा राशन मिल रहा, और जो गरीब था आज भी राशन कार्ड नहीं बना। सर तो हमारे सांसद जी तो हमारे ये है मुकेश राजपूत, ये तो इस काम सुनते इस काम से निकाल, ये तो हमेशा कुछ 10 साल में कुछ नहीं करा। अगर देखा जाए तो पुलिया का निर्माण अनवर खान विधायक जब हुए उन्होंने पुलिया का निर्माण कराया था। अच्छा। और जब से जाने कितने विधायक, कितने सांसद, कितने आए इलेक्शन हुए, आश्वासन दे गए कि हाँ हम जीत जाएंगे, पुलिया बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अगर हम लोगों की सुनवाई कहीं ना हो। शुरुआत में अनवर खान ने ही कराया था। अच्छा। खंजड़ा ये अनवर खान की देन है, यहाँ हुआ था, और बत्ती सबसे पहले अनवर खान ही की देन है जो हमारे गांव में बत्ती आई थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज यूपी 76 न्यूज की टीम जो है ग्रामीण क्षेत्र में निकली है लोकसभा चुनाव का सर्वे करने के लिए। तो आज हम मौजूद हैं फर्रुखाबाद विधानसभा है सदर विधानसभा में, और ये ग्राम जो है धर्मपुर कटरी है, और यहाँ के सभी आसपास के क्षेत्रों में हम गए हैं, और उन्होंने जो लोग वोटर जो हैं, जो मतदाता हैं, उन्होंने ऑफ कैमरा कुछ और बात करी है और ऑन कैमरा कुछ और बात करी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पूरे ग्रामीण क्षेत्र में इधर की तरफ जो है ये वही क्षेत्र है कि जहाँ पर अभी कुछ महीने पहले जो त्राहीमाम मचा रखा था, बाढ़ग्रस्त एरिया है ये पूरा, त्राहीमाम मचा रखा था। और सबसे बड़ी अहमियत बात यह कि पूरी ग्राम पंचायत में पहुँचने के लिए ये मुख्य रोड है, और इस मुख्य रोड पर ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं वो लोग धक्का लगा रहे हैं गाड़ी पर, ये वो जगह है कि ये पुलिया है, और लोगों ने हमें बताया ग्रामीणों ने कि इस पुलिया के बारे में कि जब अनवर अहमद खान सब जब यहाँ के वो विधायक बने थे तब उन्होंने इस पुलिया का निर्माण करवाया था, और उसके बाद से लेके आज तक जब भी यहाँ पानी भरा जाता है इस पुलिया पर तो यहाँ 1-2 मौतें भी होती हैं, लेकिन जब से लेके आज तक कितने सांसद विधायक कई सरकारें बदली हैं लेकिन आज तक इस पुलिया का निर्माण कार्य नहीं हुआ। और यह ग्रामीणों ने ये भी बताया कि कई बार जो है जिला प्रशासन को सूचित करा, हर मामले में बताया, लेकिन इस पुलिया का आज तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, और इस पर जो है जो बारू वगैरह पड़ी है या मिट्टी डाली है वो खुद ग्रामीणों ने डाली है। खैर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि चुनाव का है, तो हम आपको बता दें कि हम धर्मपुर कटरी और आसपास के जो मजरे हैं उनमें भी गए हैं, और जाने के बाद हमने पता करा है तो मतदाताओं ने कैमरे के सामने आने से साफ मना कर दिया, और ऑन कैमरा कोई बात नहीं करी, लेकिन ऑफ कैमरा हमें बहुत कुछ बताया है, और सभी की यही राय है, और कुछ लोगों ने हमसे बात भी करी है, वो भी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन जो बात करी है वो देखना आप। लेकिन ऑफ कैमरा जो उन्होंने हमसे वार्तालाप करी है कि यहाँ पर पूरा जो है सिस्टम परिवर्तन के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। हाँ तो अभी हम यहाँ पे जो खड़े हैं यहाँ पर हम इनसे बात कर रहे हैं, बताओ यहाँ बताइए, आप अपनी राय बताइए। राय ये बता रहा है कि ट्रेन मोदी ने जो बनवाई है तो जे तो गरीब के लिए, अमीर लाए, सबके लिए बनवाई, लेकिन उन्होंने सारी पैसों वाले के लिए बनवा दी, पूरी ट्रेन एसी कर दी। अच्छा। और उसपे सारा जितना भी आदमी है एसी पे एक सीट पे बैठ जा रहा, और वो देता कितना, 1,000 रुपया पूरी सीट लेता, और जो अन्य आदमी बैठता है तो जहाँ पे एक सीट में वो 1,000 दे रहा, और दूसरे आदमी दे रहे हैं एक सीट की जगह बैठ रहे हैं 15, तो वो दे रहे हैं 1,500, तो फिर भी गरीब उसकी पैसे ही वाले की जीता है, गरीब बेचारा फिर भी 1,500 दे के भी वो जा रहा कहते मर झुड़के। नहीं तो क्या तुम्हारा ट्रेन में ज्यादा आना जाना है? अरे आना जाना क्या, हम गाड़ी गोरखपुर से आज बैठे, हाँ। तो पैर रखने की जगह नहीं थी, तला ऊपर आदमी था, कोई बेचारा मर गया, कोई पैरों नीचे दब गया, और पुलिस वाले क्या करते हैं, अगर रिजर्वेशन बेचारे नहीं बैठ पा रहा तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उसे खींच के बाहर ले जाते हैं, उधर जाओ जब तक मजा आता ट्रेन गई। तो तुम्हारा कहना क्या है कि इस बार क्या परिवर्तन है? नहीं पूरी जो नहीं, है नहीं, हाँ। जो इस टाइम लोकसभा चुनाव चल रहा है, हाँ। तो लोकसभा चुनाव में तुम जो जिस हिसाब से बता रहे हो जो परेशानियां हैं, क्या परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन तो इस बात को होना चाहिए, ट्रेन पूरी एक परिवर्तन होगा, सरकार में परिवर्तन होगा, बदलेगी सरकार, ये तो सरकार बदलेगी, क्योंकि गरीब तो मरी दिया बेचारा,
और राशन जो ले रहा है हर महीने राशन क्या राशन तो और कौन देता आज तक सुनो राशन में भी सुनो हालात राशन की दंगा जी राशन में भी जो है कि पैसे वाले पूरा राशन मिल गया और जो गरीब था आज भी राशन कार्ड नहीं बना जिसके दो ही नोट चढ़े जहाँ 15-15-20 घर में हो नहीं मका और इसी कतार में हम अपने दूसरे भाई से बात करते हैं। आप बताइए यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है और किसने क्या हेल्प करी आप यहाँ ने किसी ने हेल्प कुछ नहीं करी। ये देखो बाढ़ आई बिचारों ने मर गए यहाँ सांसद जी ये पुलिया यहाँ की अच्छा लिखित में मंजूर है कभी कुछ नहीं आज तक नहीं ये सांसद बने कह दे हम लोगों ने वोट दिया तभी बने ना अच्छा और क्या अच्छा ये जो इलाका है ये सदर विधानसभा में आता है और यहाँ मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जो है यहाँ के तो विधायक हैं। अच्छा कोई सुनवाई नहीं कोई हिसाब नहीं वो सांसद अब सुनो मेरी बात सांसद जी का तो कहना हमने बहुत विकास अब मेरी सुनो अब तुम्हें मुद्दे की बात बता रहा हूँ। ये हमारा गाँव जो है तो बाढ़ पीड़ित में कट रहा था यहाँ से मैं अपने बाल बच्चे लेके गांव से बाहर निकल गया था। अच्छा पहलादपुर गांव है वहाँ पे बाढ़ शिविर की जगह थी जिलाधिकारी ने उस पर साइन करके दिए कि यहाँ बाढ़ शिविर की जगह यहाँ कोई भी रह सकता है। ये बीजेपी वाले गुंडे बदमाश वहाँ कम से कम बजरंग दल का 10,000 आदमी हिंदू मुस्लिम विवाद बना दिया जाके। अच्छा ये सांसद जी गुंडे थे कुछ भी नहीं कोई सुनवाई नहीं किसी हिसाब की कोई सुनवाई नहीं सब बेकार। अच्छा तकरीबन ये जो हम अभी रास्ते में आए थे ये पुलिया के इसके हालात बहुत खराब है। पुलिया लगभग कब से नहीं बनी होगी कब से नहीं बनी 200 साल से नहीं बनी है। ये दो बार सांसद हो चुके हैं कभी ध्यान नहीं दिया। वो तो कह रहे हैं हमने शहरों बड़े बड़े पुल बनवाए कुछ भी नहीं बनवाया कौन कह रहे बनवाया कुछ नहीं बनवाया। तो अच्छा ये बताओ अच्छा ये सब जो स्थानीय मुद्दे हैं इतनी दिक्कतें इतनी परेशानी है बाढ़ में लगभग 2-3 महीने यहाँ का पूरा जो है सब मामला कभी झांकने नहीं आते भाईजान कभी झांकने नहीं आते कभी उनका कोई भी अधिकारी नहीं झांकने आता प्रशासन तक तो आता नहीं। अच्छा प्रशासन तक तो आता नहीं है हमसे पूछो हम किसे नहीं जानते। तो अब क्या हालात है दो जैसे लोकसभा चुनाव है हम आपको बताते हैं आपको मालूम कौन कौन प्रत्याशी अपने हाँ पता है 40 लोकसभा से कौन कौन प्रत्याशी बताओ यहाँ से तो क्या नाम नवल किशोर है साइकिल से और ये बीजेपी से क्या नाम सांसद मुकेश राजपूत है और तो नहीं मुझे पता मुझे दो ही मालूम मुझे यहाँ से और हाथी से जो है वो है क्रांति पांडे हाथी क्रांति पांडे यहाँ से हाथी से। तो अब यहाँ का क्या रुझान है क्या मूड देखो यहाँ का रुझान ऐसा है यहाँ जो है तो साइकिल के अलावा रुझान किसी का नहीं है किसी का डॉक्टर नवल किशोर का है। अरे साइकिल की बात करो हम नवल किशोर वैसे साइकिल का कोई यहाँ पर आया अभी तक तो कोई नहीं आया अभी तक फिलहाल कोई नहीं आ चुके हैं एक बार नहीं मतलब देखो अभी कोई नहीं आया नहीं पहले हम तो ये जानते नहीं डॉक्टर कौन है या क्या है हम पार्टी की बात करते हैं पार्टी की बात करो हम डॉक्टर साहब को नहीं जानते ये सफाई है पक्के हम पार्टी की बात करो आप इमाम साहब आपसे बात कर रहे हैं अभी नमाज पढ़ी आप यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं जो गंभीर समस्याएं जरा उनके थोड़े बारे में बात बताएं जैसे ये तो पूरा जग जाहिर है पूरे जनपद को मालूम है कि ये इलाका जो है पूरा बाढ़ पीड़ित है बाढ़ ग्रस्त है जब पूरा इलाका जो पूरा त्राहिमाम मचा हुआ था हम तो यहाँ कवरेज करने आए थे लोग छतों पर बैठे थे। तो एक छोटा सा बताइए हमें थोड़ा यहाँ पर जो बाढ़ के टाइम पे ज्यादा मदद किसने की यहाँ पर जो है मदद सभी लोगों ने की लेकिन इस साल जो है सबसे ज्यादा अगर मदद में देखा जाए उनका कोई रुझान नहीं था कि हम इलेक्शन के नजरिए से मदद कर रहे हैं बल्कि इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो हमारी सबसे ज्यादा जो है यहाँ के लोगों की मदद जो की है वो यूनुस अंसारी और जनाब तहसीन सिद्दीकी साहब ने भरपूर राशन दिया और भी लोग आए तो वो मुंह पोंछने के लिए लोग को 10 रुपए की लैया थोड़ा बिस्कुट ये थोड़ा आए बहुत से लोग आए शहर के मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ किसी का भी जो भी लोग आए उनका भी जिन लोगों ने जो भी किया वो बेहतर है लेकिन सबसे ज्यादा सहयोग रहा यूनुस अंसारी साहब का जिन्होंने उनको जनाब तायर हुसैन सिद्दीकी साहब के भाई जो तहसीन सिद्दीकी हैं उनको बुलाया उनके जरिए हमारे गांव की मदद करवाई उन्होंने बहुत ज्यादा मदद करवाई। और हर तरीके से जैसे आप मान लो लोकसभा चुनाव जी तो लोकसभा चुनाव को लेके क्या क्या मूड है मतलब अपने गांव का क्या सरकार बदलने का मूड है या वही सरकार है नहीं बदलाव अगर चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं बदलाव इसलिए चाहते हैं कि हमने ये हमारे 5 साल गुजरे हैं और हम चाहते हैं कि जिसको हमने वोट दिया है वो हमारा हर तरीके से सहयोग करे भाई वोट इसीलिए आदमी देता है कि हमारे जनपद का पूरा ख्याल रखे और कोई मजलूम हो कोई परेशान हाल हो तो उसकी परेशानी को देखे। अच्छा तो एक चीज और मतलब सांसद से नाराज है या सरकार से नाराज है हमारी सरकार से भी नाराजगी है लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी जो सांसद साहब से सांसद साहब इसलिए है
कि उसकी वजह यह है कि सरकार तो बहुत दूर, जब तक हमारे खतूत जो हमारे खत हैं, हमारी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए सिर्फ सांसद साहब ही हैं, सांसद साहब को चाहिए कि हमारी बातें सरकार तक पहुंचाएंगे तभी तो है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा खताकार जो हैं वो सांसद साहब हैं, क्योंकि सांसद साहब ने हमारी तमाम चीजों को अगर सरकार तक मदते पहुंचाना थे तो सरकार तक पहुंचाते तो सरकार हमारी कुछ न कुछ सुनती। नहीं, सरकार ने तो बहुत, जैसे मान लो जो जैसे बहुत सी लाभकारी योजनाएं दी हैं, मतलब आवासों को ले लो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें वगैरह, शौचालय हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत है, और उज्ज्वला योजना है, पानी बिजली सभी तरीके की, और यहाँ तक की जो मुफ्त राशन वाली योजना, कई लाभकारी योजनाएं सरकार, लेकिन वो अगर नहीं पहुंची है, वो यहाँ तक नहीं पहुंची है, और या उनसे जो है जनता लाभ नहीं ले पाई है, तो वो कारण अलग है। लेकिन सरकार ने तो बड़ी अच्छे प्रोग्राम, सरकार की खैर ये तो हमारे पास भी आई बहुत सी चीजें, जैसे पानी का सिस्टम है वो यहाँ भी लगा है, और राशन का मामला जो चल रहा है वो राशन भी मिला लोगों को। लेकिन मसला सबसे बड़ा यही है कि जो सांसद साहब हैं उन्होंने जो हमारी बातें हैं वो सरकार तक नहीं पहुंचाई, जो मेन मुद्दे थे हमारे, खाना हमें 2 टाइम 4 टाइम 10 टाइम का खाने से हमें इतना नहीं जितना हमें बाढ़ पीड़ित में रास्ता से परेशानी होती है। सबसे मेन चीज वही है कि जो हमारी पुलिया टूटी हुई है, कई बार हम लोगों ने लिखत दी है, इसकी तहरीर दी है, बहुत जाकर जो है डीएम साहब को भी इसका परमिशन दिया, और इन लोगों से भी कहा कि भाई आप भी सहयोग करें, लेकिन कोई सहयोग नहीं। हाँ, हो जाएगा, हम अभी सांसद साहब आए जो हमारे यहाँ के लोग मकान कट गए, हमने सांसद साहब खुद बात की, दूसरे की बात नहीं, मैंने खुद कहा कि भाई सांसद साहब जो लोग मकान इनके कट गए हैं तो आप थोड़ा उनके लिए हेल्प करें कि उनके लिए कहीं ना कहीं ग्राम समाज की जो हमारी जगह पड़ी हो उसमें थोड़ी थोड़ी जगह उनके लिए मुहैया कर लें ताकि वो भी अपना आशियाना बना सकें। कहा कि ठीक है देख लें। अच्छा, आज तक का मौका नहीं आया कि उनको कहीं जगह। चलिए, अब तो जो है मामला सब गड़बड़ी हो गया, तीसरी बार वो फिर तैयारी कर रहे हैं, तो अब इस गांव का माहौल क्या है कि मान लीजिए किस तरफ जो है इंडिया गठबंधन की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ पूरा गांव इंडिया गठबंधन, बिल्कुल। अच्छा, पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा गांव। तो हम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस टाइम धर्मपुर कटरी में हैं, इस टाइम जो पूरा बाढ़ ग्रस्त एरिया था, तो यहाँ पर हमारे भाई हसन भाई खड़े हुए हैं यहाँ पर, जो अपना काम भी करते जा रहे हैं, और थोड़ा लोकसभा चुनाव के बारे में भी हमें जानकारी है। हसन भाई, सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि उस टाइम क्या हालात थे कि जब यहाँ बाढ़ का माहौल था। हाल ये थे कि रोटी खाने को नहीं था। अच्छा, अपोजिशन ये थी कि बेचारे कहाँ जाएं, कहाँ बैठें, क्या करें। अब हालात इतने अच्छे नहीं है बेचारे। अच्छा, जो कुछ कर सकते हैं। और एक महीने तक ये सब हमने कैसे रोटी खाई, क्या करा है, ये तो दीन ईमान जानता है या अल्लाह जानता है। देने वाला तो ऊपर वाला है, मगर सवाल यही है कि कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, अपना वक्त के हिसाब से रोटी खाई, टाइम काटा, और मालिक ने जब गंगा बार जब नीचे आ गई तो अपने अपने कारोबार में या अपने अपने काम में वो सब लग गए। अच्छा हसन भाई, हमें ये बताओ, ईमानदारी से बताना, अब जो है लोकसभा चुनाव 13 तारीख को तो मतदान है, है, और लोकसभा चुनाव बिल्कुल किनारे ही है, ठीक है। आपको ये भी मालूम होगा कौन कौन प्रत्याशी है, ठीक है। तो अब ये हमें थोड़ा बताओ, क्या तुम्हारा वोट जो होगा वो सत्ता परिवर्तन के लिए होगा या सत्ता पक्ष में होगा? स्थिति ऐसा है, उसके लिए तो नहीं बताते थे किसी के दिल की बात कि कौन किसको देगा, क्या करेगा, अपने अपने, मगर बहुत समझ के देना चाहिए वोट, कि हमारा वोट कीमती है सभी भाइयों का, और ऐसे आदमी को प्रत्याशी को दो जो हमारा फैक्ट्री यहाँ पे, मतलब जो मेन 3 प्रत्याशी है यहाँ पर, डॉक्टर नवल किशोर शाह, क्रांति पांडे हैं, और सांसद मुकेश राजपूत हैं। इन तीनों में तुम्हें बेहतर कौन लगा? हमारे लिए सब बराबर है, जो फैसला खुद करेंगे, हम इसका जवाब नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, चलो गलत बात है। तो हम धर्मपुर कटरी के जो है एक गांव में जो सर्वे कर रहे हैं, उसी के तहत हम एक मकान के अंदर बैठे हैं, और वो हमारे मिलने वाले भाई हैं, और हमारे साथ में बैठे हैं डॉक्टर मेहंदी हसन साहब। तो मेहंदी हसन साहब, आप बताइए कि इस टाइम जो है लोकसभा चुनाव जो चल रहा है उसे लेकर क्या रुझान है? असल में रुझान तो है, ये तो लोकसभा चुनाव आ रहा है, दिन पे दिन पर्चे दाखिल हो गए हैं, समझे, और सरकार बदलनी चाहिए, बदलाव तो आना चाहिए सरकार पे, सरकार आगे किसी भी क्या कारण है, क्यों बदलाव आना चाहिए? नहीं, हालांकि सरकार अच्छी चली, कोई दिक्कत नहीं सरकार से, लेकिन ये मतलब जो है हर 5 साल के बाद सरकार बदलना चाहिए, तो परिवर्तन होते रहते हैं, बदलाव आता रहता है। तो आप एनडीए के पक्ष में? नहीं, पक्ष में वैसे तो पक्ष में, इंडिया के पक्ष में? नहीं, इंडिया के पक्ष में या इंडिया के पक्ष में नहीं, बात यह है कि बदलाव होना चाहिए सरकार, परिवर्तन। कोई तो कारण हुआ कि इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। एक मतलब जैसे धर्मपुर कटरी है, इस गांव की समस्याओं को लेके सरकार से नाराजगी है या सांसद से नाराजगी है, क्या है मामला? सांसद तो हमारे, सांसद जी तो हमारे ये है मुकेश राजपूत,
ये तो इस काम सुनते इस काम से निकाल। अच्छा, ये तो हमेशा कुछ 10 साल में कुछ नहीं करा अगर देखा जाए तो। अच्छा, जो विधायक जी हैं, क्योंकि ये ग्राम जो है सदर विधानसभा में आता है, ये सदर विधानसभा होता है, क्या नाम, मेजर सुनील द्विवेदी हैं, मेजर साहब हैं, वो भी भाजपा से मेजर साहब हैं, वो तो कभी आते भी नहीं, देखा भी नहीं कि हमारे गांव कहाँ है, कभी धरपुर कहाँ है, कभी नहीं आए, कभी नहीं, शायद एक बार कभी आए होगा। अभी जो यहाँ पर इतनी त्राही माम मचा था, बिल्कुल कोई नहीं आया, बिल्कुल कोई पूछ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, सड़क कट रही है कि नहीं कट रही है। कई बार यहाँ से आश्वासन दिए गए, गांव कट गया, आज तक कोई आया, गांव कट गया, कब्रस्तान पूरा कट गया, सड़क कट गई, लेकिन आया कोई पूछने नहीं। यहाँ से लोग गए जाते रहे, तहसील गए, कचहरी गए, हाँ आएंगे आएंगे, आए भी अभी लोग, देखा कि हाँ गंगा गांव पूरा कट गया है, कम से कम 50 घर कट गए गाँव से, सड़क कट गई, कब्रस्तान कट गया, तभी आश्वासन दिया कि हाँ यहाँ पे वो बंदा लगाएंगे गंगा किनारे, उसका कार्य चल रहा है। तो जैसे कि मान लो कि अभी लोकसभा चुनाव है, हम पूरा गांव घूमे हैं, हमने लोगों से बातचीत करी है, तो लोग बदलाव की तो कह रहे हैं, लेकिन एक तरीके से ये नहीं बता रहे कि किस प्रत्याशी के पक्ष में है या क्या है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस टाइम जो अगर वैसे तो करीब काफ़ी प्रत्याशियों ने नामांकन कराए, लेकिन खास तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ 3 प्रत्याशी हैं और त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे हैं, तो आपकी नज़र में जो है कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर भावी है? देखिए, एक दूसरे पे भारी तो सभी है, हाथी भी अपनी जगह पर अच्छा है, इसी बात नहीं है, क्रांति पांडे पर्चे भरा हमारे यहाँ से अच्छे हैं, और बसपा उसको सपोर्ट भी करेगा, इसी बात नहीं है, और जो रह गए डॉक्टर नमन जो शाख है, जिन्होंने सपा से पर्चा दाखिल किया है, आज तक चेहरा भी नहीं देखा, कैसे कैसे नहीं, इसके डॉक्टर नमन तो नवन के बारे में मालूम नहीं आप? नहीं, मुझे कतई नहीं पता, नाम सुनते हैं, अच्छा इतना। अच्छा, डॉक्टर नवल किशोर के बारे में तुम जानते हो थोड़ा सा? कभी देखा हो? कभी मैंने नहीं देखा। यहाँ आए गांव में कभी? आए होंगे तो मेरी मुलाकात भी नहीं, मैंने यहाँ तो आई नहीं कभी, नहीं आए यहाँ गांव कभी नहीं आया। तो जानकारी है क्या है गांव का रुझान, मिजाज क्या है गांव का, किस तरफ जा रहा है वोट सारा या बटेगा वोट? देखो, हर आदमी थोड़ा बहुत रुझान तो हर तरीके का होता है, वोट कोई सपा में जाता है, बसपा में जाता है, कांग्रेस में भी जाता है, तो एक आदमी को अपने दिल के रुझान है, आदमी कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ ज़्यादातर वोट यहाँ का जो है वो भाजपा में जाता है, भाजपा में तो नहीं जाएगा, लेकिन वोटर यहाँ का शांत है, अभी क्लियर नहीं है कि वोट किस तरफ जाएगा ये। चाचा, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, ज़्यादातर हम गांव ग्रामीण क्षेत्र में घूमे हैं, तो वहाँ ये बताया कि ये यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पुलिया है, ये पुलिया आके कब बनी, आप तो सबसे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, जईफ हैं, तो ये पुलिया कब बनी और किसने निर्माण करवाया था? पुलिया का निर्माण अनवार खां विधायक जब हुए उन्होंने पुलिया का निर्माण कराया था। अच्छा, और जब से जाने कितने विधायक, कितने सांसद, कितने आए इलेक्शन हुए, आश्वासन दे गए कि हाँ हम जीत जाएंगे, पुलिया बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अगर हम लोगों की सुनवाई कहीं ना हो, हम बराबर लिख लिख के भी दे रहे हैं, भैया हमारी पुलिया बनवा दो, पुलिया बनवा दो, हमें दिक्कतें होती हैं, पुलिया हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, ना आज तक हुई है। इस दिक्कत में हम बहुत, बरसात जब पानी आता है तब हम बहुत दिक्कत में हो जाते हैं, जब पानी कुछ कम हो जाता है तो रास्ता बनाने निकलने के लिए ही लोग मिलके मिट्टी इट्टी डाल लेते हैं, तो उसमें निकलने की रास्ता हो जाती है। अच्छा, ये जो पूरा रोड है, ये जो रास्ता बना है, यहाँ और सुविधाएं भी, वो भी किसने करवाई थी? ये रोड शुरुआत में अनवार खान ने ही कराया था। अच्छा, खंजड़ा ये अनवार खान की देन है, यहाँ हुआ था, और बत्ती सबसे पहले अनवार खान ही की देन है, जो हमारे गाँव में बत्ती आई थी, और उसके बाद में जितने आ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अगर हमारी पुलिया की कोई सुनवाई नहीं कर रही, मतलब यहाँ पुलिया सबसे बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, हम लोग पुलिया के बारे में बहुत परेशान हैं। तो मतलब कहने मकसद ये है, जो पुलिया निर्माण कराएगा वही मतदान पाएगा, जो पुलिया निर्माण हमारा पहले करा दे तो हम तो बहुत खुशी हो जाए, उसी को चुन दे, अच्छा आश्वासन हाथ उठा दे, जो हमारी पुलिया बनवा दे तो उसके लिए हम सामने सामने हाथ उठा दे, हम तैयार है। अच्छा, तो दोस्तों अभी तक आपने जो कुछ देखा कि हम लोकसभा के जो चुनाव का जो सर्वे कर रहे थे, इसमें लोगों ने क्या क्या कहा, तो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक, और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।